वेलकम टू दिस क्लास। तो आज के शिखब क्यों एस शब्दी के प्रिपोजिशन हिसाब से व्यवहार करते आगे हमें देखिए कि भाव एस शब्दी के रिलेटिव प्रोनाउन हिसाब से व्यवहार करते तो आज के देखो प्रिपोजिशन हिसाब से। सो ए बेपार्ट देखान जो हमें एक उदाहरण नीते हैं तो उदाहरणटी देख मिंट इट एज ए जोक। तो ये देखुन जे एस शब्दटी एस शब्दटर पर आछे ए जोक। तो ए जोकटा हलो एक नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेजर गठन हलो डिटार्मिनार प्लस नाउन, राइट। सो और प्रत्येक प्रिपोजिशनर अबजेक्ट थाकबे आर अबजेक्ट अवश्य नाउन होते हैं। सूतरां एजर अबजेक्ट होच्छे एक नाउन फ्रेज ए जोक, राइट। और प्रिपोजिशन की करे दुईटा नाउनर मध्य सम्पर्क स्थापन करते पारे। तो एखाने जेटा कोर्छे प्रिपोजिशन इज ए इट प्रोनाउन और ए नाउन होच्छे जोकेर मध्य सम्पर्क स्थापन करछे, अर्थात प्रोनाउन और नाउन, अर्थात प्रिपोजिशन प्रोनाउन नाउनर मध्य सम्पर्क स्थापन करते पारे अथवा नाउन नाउनर मध्य सम्पर्क स्थापन करते पारे अथवा वार्ब एवं नाउनर मध्य सम्पर्क स्थापन करते पारे। सुतरां जेहेतु ए एजर अबजेक्ट आछे सहज कथाय सुतरां एटी एकटी प्रिपोजिशन। एंड आम्रा द्वितीय उदाहरणटा विवेचना करते पारी, एखान थेकेओ किछु नलेज अर्जित होबे। तो देखुन इट कूड बी यूज्ड एज इविडेंस। तो एई एजर पार्सपिस कि देखुन एजर पर इविडेंस आछे माने एर अबजेक्ट हलो इविडेंस। सूतरां जेहेतु एर अबजेक्ट आछे सूतरां बोलते पारी ए एसटी एकटी प्रिपोजिशन। और प्रिपोजिशन हिसेबे एटी जेटी करछे एई जे भार्ब आर एई नाउन भार्ब और नाउनर मध्य सम्पर्क बा इंटरलिंकिंग करछे। तो एखाने एगेंस्ट हिम, तो एगेंस्टर पर देखुन अबजेक्ट आछे हिम। तो एगेंस्टाओ किन्तु प्रिपोजिशन जेहेतु एर अबजेक्ट आछे आर एगेंस्ट इविडेंस और हिमेर मध्य एकटा सम्पर्क स्थापन करछे, अर्थात नाउन प्रिपोजिशन प्रोनाउन। तो देखबें जे कोनो शब्द प्रिपोजिशन कि ना एटा बुझार जोन्नो देखबें जे तारपरे आसले अबजेक्ट आछे कि ना। सो थैंक यू फॉर बीइंग दिस वीडियो, बी वेल।